एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं जी अमेरिका ने नहीं गिराई, और अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना। और कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है, किसी ने मुदाखलत की बताना जुर्म बन गया। इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तवील अरसे बाद बानी पीटीआई का अहम बयान सामने आया। इडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए था। उन्होंने ये दावा किया कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। बानी पीटीआई के दावों पर रहनुमा नून लीग राना सना ने रद्दअमल दिया, कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई झूठे और मक्कार आदमी हैं। पहले कहा गया कि अमरीका ने साजिश करके हुकूमत गिराई, अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना और 9 मई हुआ। राना सना ने बानी पीटीआई से ये सवाल किया कि गिरफ्तारी न देने का फैसला अमेरिका या नवाज शरीफ के कहने पर किया था? अगर ये साजिश है तो तुमने ही अपने खिलाफ की है। उधर तहरीक इंसाफ के रुकन के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार देते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान दाव पर लगा है, तंजीम को शदीद मसाइल का सामना है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा किया, इंतखाब को साइड पर रखकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। नाज़रीन अब ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत जेल में या रोपोश है, पार्टी का इंतखाबी निशान दाव पर है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सख्त हालात के बावजूद इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल, मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने यह दावा किया है इलेक्शन जीतने का, ये हकीकत पर मबनी है या खुश फहमी पर? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जिस तरह से इमरान खान साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात हालात आपके सामने हैं, और जिस तरह से ज़ाती मामलात भी जाहिर है वो भी सोशल मीडिया और मीडिया की पर है आपके सामने, आपके ख्याल में चूंकि अब चेयरमैन भी चली गई बैरिस्टर गौहर के पास, चेयरमैन पीटीआई अब वो हैं, और इसके अलावा जो मामलात और ख़ास पर कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा रानमा जो पुराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के साथ नहीं है, ऐसे में ये कहना कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, क्या इसको कहना चाहिए खुशफहमी है या ये कोई हकीकत है? आपको क्या लगता है आमिर साहब? देखें, जिस तरह था ना, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है, इस तरह जीत नहीं रही, जीत चुकी है। आपको पता है ना, वो जो आप कह रहे हैं ना बड़े अरसे के बाद बयान आया, हम ये कह सकते हैं कि साफियों से बड़े अरसे के बाद गुफ्तगू हुई, वरना बयान तो रोजाना उनके वकील जारी कर रहे हैं उनके लिए, और एक वकील नहीं, पांच वकील। और आपको पता है पंजोथा बरादरान एक बयान देते हैं, लतीफ़ खोसा साहब दूसरा देते हैं, और मरवत साहब तीसरा देते हैं, और अब उसमें चौथी एंट्री जो है ना बाबर अवान साहब की भी हो गई है कि वो भी वकालत लेके और वहाँ पहुँच चुके हैं जेल में। तो हर एक का अपना अपना मंजन है, चूरन है, टका के बिकेगा, और साफियों के लिए अच्छा है। अब जाया करेंगे, अब 6 तारीख को नैब की जो 190 मिलियन पाउंड वाला है, वो 1 मिलियन वो था ना 1 पाउंड फिश वाला कहानी, ये अब 190 मिलियन पाउंड वाली कहानी है। तो ये अभी बिकेगी, चलेगी। देखें ना, पैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एक कैबिनेट से गलत काम कराया गया था, और उन्होंने वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट पर पैसे डलवा दिए हैं, कि वो तो झूठ पकड़ा जा चुका कि जी ये पैसे आए प्राइवेट थे और सारा सब कुछ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। अब है कि इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। खान साहब अभी जिस तरह उन्होंने कहा ना, तवील अरसे तक जेल में है, मुझे नज़र भी आ रहे हैं। साइफर का फैसला, क्योंकि एक हफ़्ता छुट्टी हो जाएगी 24 दिसंबर से लेके और 31 तक मातहत अदलिया की, अगर उसमें ये जज साहब की ड्यूटी ना लगी तो फिर ये जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में साइफर केस निमट चुका होगा, और वो खुद जानते हैं कि इसकी सज़ा, उनके वकला भी बता रहे हैं कि कम से कम क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। लेकिन इलेक्शन तक तो जाहिर है फिर जमानत नहीं होने की, और वो फौरन
जमानतें नहीं हुआ करती हाई कोर्ट में, वो नवाज शरीफ की भी कई महीने के बाद जमानत हुई थी, जब इलेक्शन हो गए थे उसके बाद हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसी फरमाइशें इन्होंने की थी वैसी फरमाइश का इनको तो पता ही है। मैं अब आपको बताऊं कि वो हाई स्पिरिट्स के ऊपर, वो परसों हुई थी ना शायद पेशी, जो पहले दिन इस केस की, तो उसमें कुछ सिविलियन लोगों को बिठाया गया था, तो इमरान खान उनमें से एक के पास गए और जाके उनसे कहा, कर्नल साहब आप किस रेजिमेंट से हैं? तो उसने कहा कि यार मैं तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ और मैं इस पे आया हूँ, तो वो जो है ना मेरी इत्तफाक से उनसे मुलाकात हुई, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि मैं जेल में था और स्पेक्टेटर था उस पूरी उसका, तो कहने लगा मुझे तो डर लग रहा था बेगम बुशरा कहीं मुझ पे पढ़ पढ़ के फूंक तो नहीं रही। मैंने कहा तुमने क्या किया? कहता मैं आयतुल कुर्सी जवाबन पढ़ता रहा अपने आप की बचत के लिए, चारों कुल पढ़ता रहा कि मैं किसी अमल में ना आ जाऊं। लेकिन वो बड़ा एक बड़ा अजीब तजर्बा था कि खान साहब फिर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, तो उनको सहूलियात हैं सारी जेल के अंदर, ये नहीं है ऐसा कि भाई वो बिल्कुल ही जो ये तासुर वकला बांध रहे थे ना कि किसी पिंजरे में बंद है, जेल वैसे ही पिंजरा होता है, लेकिन उनको यूं आज़ादी है कि आज जो जर्नलिस्ट गए 6-7 उन लोगों ने वीलॉग भी किए हैं, गुफ्तगू भी की है, बताया भी है। खान साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल है, आज उन्होंने चूंकि फिर वही पुराना बयान दोहराया, हालांकि उन्होंने कह दिया था अमेरिका इस साजिश में नहीं, आपको हमें पता ना वो रोजाना एक खिताब किया करते थे और हर रोज एक नई पोजीशन लिया करते थे, आज वो पहली पोजीशन पे, वो कहते हैं ना जैसे थे, वो फौजियों की जुबान होती है ना परेड में, जैसे थे, तो ये फिर वहीं पहुंच गए हैं कि ये अमरीका ने साजिश की थी और जनरल बाजवा गवाह होंगे, अमरीकी सिफारतकार होंगे, तड़ियां छड़ियां लगा रहे हैं। देखें अभी तड़ियां कौन सुनता है कौन सहता है, अभी काम चल रहा है, काफी आगे जाएगा। सर आया साहब, ये जो तड़ियों की बात हो रही है, अब जो नए चेयरमैन है वो कहते हैं टकराव की जो पॉलिसी है, जाहिर है उनका थोड़ा डिफरेंट मौकफ है, जबकि अब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने फिर से एक सख्त मौकफ सामने रखा, जिसका जिक्र तड़ियों का आमिर साहब भी कर रहे हैं, तो ये भी कोई कन्फ्यूजन पैदा होगी जमात के अंदर, यानी ये भी एक मामला है। इस सारे मामले, इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त जमात के सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो कैसे कह सकते हैं ये कि नई तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी? अच्छा, एक तो इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी, ये जहन नशीन कर लें आप, क्योंकि वो जो बानी चेयरमैन पीटीआई है वो ज़ाहिर है उसको नज़र आ रहा है कि मुझे इन्होंने नहीं छोड़ना, जेल में रखना है, और जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई है वो उसने इलेक्शन लड़ने हैं, उसने अपनी पार्टी को इलेक्शन लड़वाने हैं, तो इसलिए ये कोई ऐसी इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। देखिए वो जो बात करते हैं नहीं, इलेक्शन हम क्लीन स्वीप करेंगे जीतेंगे, आप इतने सर्वेज हो गए हैं उसमें तो ये चीज़ ऐसे ही नज़र आ रही है बदकिस्मती से, कि वो क्लीन स्वीप करती भी नज़र आती है उनकी पार्टी, क्योंकि अगर वो पॉपुलैरिटी का लेवल उस पार्टी का ये ना होता तो इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आराम से इलेक्शन भी करा दिए जाते, उनको इजाज़त भी मिल जाती उनकी पार्टी को कि जी आएँ आप मैदान में, आप भी आ जाएँ और ये इलेक्शन हो जाएंगे। असल मसला गड़बड़ ये हो गई कि वो क्योंकि पॉपुलैरिटी लेवल आपने बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि लगता ये था और ये दावा किया जाता था कि ये बंदा 24 घंटे जेल में नहीं रह सकता, अब वो 24 घंटे के बाद उसने जब इतना अरसा जेल में गुजार लिया वो फिर एक नई, जाहिर अब आपको हर रोज एक नई वो कहानी भी तो बनानी पड़ती है ना, अगर वो उसको आपको लगता है कि वो कहानियां सुनाता रहता है, वो कभी पुरानी कभी नई सुना देता है, तो ये दूसरी तरफ भी यही मसला बना हुआ है कि आपको भी नई कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, रोज गढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि वो इलेक्शन जब लोग कहते हैं ना, हाँ ये फिर मैं वजाहत कर दूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर हाल में होंगे, जब वो लोग कोई शकूक का इजहार करते हैं तो वो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो पॉपुलैरिटी जो है बदकिस्मती से या खुद खुशकिस्मती से वो है, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता, और फिर वो जख्मों पे नमक छिड़कने वाले वो 16 माह कि वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने अपनी गवर्नमेंट में भी आपको वो बताना पड़ा ना कि 6.17 ग्रोथ थी उस वक्त, और उसके बाद आप जहां तक लेके आए थे वो भी सबके सामने है, और आप मतलब एक ही दावा करते हैं जी हमने रियासत बचा ली, भाई आपसे किसने कहा था कि रियासत बचाओ, मतलब रियासत को डबोने के बाद आपने कहा जी हमने बचा ली, नहीं बचानी चाहिए थी आपको, आना ही नहीं चाहिए था, आप कहते रियासत जैसी चलती है, चल रही है चलने दें, वो आप दावे कर कर के थक गए हैं लेकिन लोग वो दावा मानने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, इतना कुछ करके भी आपने देख लिया लेकिन वो पॉपुलैरिटी, एक तो वो पॉपुलैरिटी, दूसरा जो आपने किया
उसका जो लोगों को गुस्सा है वो नहीं कम होने हो रहा, क्या करें अब बेशुमार चीजें इनसे जो जाहिर है जो पॉलिटिक्स में हैं लोग उनसे डिस्कस भी होती हैं, तो वो सवाल ही एक होता है कि जी अच्छा वो नहीं होगा इलेक्शन में तो क्या फर्क पड़ सकता है, उसको इलेक्शन से पहले सजा होगी तो क्या फर्क पड़ सकता है, बल्ले का निशान नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ सकता है। ये सवाल उस वक्त पूछे जाते हैं जब आपको तश्वीश हो, जब आपको लग रहा हो कि यार ये तो बंदा ले दे जाएगा हमें, तो इसके लिए स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आप दावे जितने मर्जे कर लें जी हम पॉपुलर हो गए, टिकटें भी लोग धड़ाधड़ आपसे ले रहे हैं, ये बहुत से इलेक्शंस हमने देखे, ठीक है, भुट्टो साहब के मुकाबले में भी यहाँ जब इलेक्शन हो रहा था पंजाब में स्पेशली लाहौर में भी वो इतने इतने तगड़े उम्मीदवार थे जो लगता था कि घर से जीत के चले हुए हैं, वो भी जब हार गए तो बड़ा सेटबैक था उस हवाले से। तो बहरहाल देखें, अभी तो मुझे दावा ठीक लग रहा है, मुझे दावा गलत नहीं चले। हाफिज साहिद साहब आपको ये दावा ठीक लग रहा है साबित? एक छोटी सी बात, दुआ जी जी आमिर साहब, वो किसी ने मुझे बात पे ही लिख के भेजा है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई जनरल बाजवा की मदद से और मैंने जनरल बाजवा के कहने पे दो सूबाई संभालियों की कुर्बानी दे दी, ये थे मेरे कप्तान, सही सही, मतलब ये है उनकी पॉपुलैरिटी और फैसले करने का विजन। बिल्कुल हाफिज साहब ये बात तो दुरुस्त है, वो कई फैसलों के बाद उन्होंने खुद माना है ऑन द रिकॉर्ड कि वो कहते थे ये मैंने नहीं किया मुझसे करवाया गया। अब ये 9 मई वो लंदन प्लान का हिस्सा कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे प्रूफ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सामने, और वो खुद भी एक दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो खुद ही पहुंचाएगी अगर पहुंचाना हुआ तो। ये 9 मई तो वैसा ही लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये दावा हकीकी है या खुश फहमी पर मबनी है साबिक चेयरमैन का कि आइंदा इंतखाबात में मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए PTI ही जीतेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदू वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए आज दो तीन बातें जो खान साहब ने कही हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का गवाह हूं। एक तो वो जो ये कहते हैं ना कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, उन्होंने अपनी हुकूमत खुद गिराई है, किसी अमेरिका ने नहीं गिराई। मैं आज पहले भी पता नहीं आपके प्रोग्राम में कहा या नहीं, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसको बुनियाद बना के कहा जाता है कि खान साहब की हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी, रूस का दौरा, मैं उस वक्त चूंकि खान साहब की हुकूमत में था, मैंने दोस्त ममालिक के जब सुफरा या लोग पूछते थे तो मैंने पूछा बाकायदा जनरल बाजवा साहब से, और उन्होंने ये बात कही कि आप कुल बताएं हमारी मुशावरत से खान साहब रूस गए हैं। अब मुझे आप बताइए, जब जनरल बाजवा खुद ये कह रहे हैं कि हमारी मुशावरत से वो रूस गए हैं, तो वो क्यों कहेंगे अमरीकियों को कि ये खुद ही चला गया रूस? ये नंबर एक। नंबर दो, ये तो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त पता चलेगा कि किसको अवाम मुंतखब करती है। आप सब की तस्दीक कर दें अगर इलेक्शन होते हैं, इस तरह की बात ना करें, जाना चाहिए वो जी। नहीं, बात ये है कि ये पता चलेगा उस दिन। दावा करने का खान साहब को भी हक है, दावा करने का मियां नवाज शरीफ साहब को भी हक है, दावा करने का जरदारी साहब बिलावल का भी हक है, बिलावल कह रहे हैं मैं वजीर आजम बनूंगा, दावा तारीख लब्बैक भी कर रही है, दावा मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग भी कर रहे हैं। ये तो अवाम, देखिए अवाम का वोट जो है वो फैसला करेगा कि भाई कौन जो है किसको वोट पड़ते। हमने बिल्कुल खान साहब ने ठीक बात कही है, हमने देखा बड़े लोग थे जो जिनका ख्याल था हम तो कामयाब है, हमारा तो हम तो जीते हुए हैं। जब ये मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शन हो रहे थे, मियां आजम साहब तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे और वो हार गए लाहौर शहर से, हालांकि वो तो उस वक्त काफ लीग के जो है कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, और सारी मदद उनके साथ थी, हर तरह से तावन उनके साथ था, वो नहीं जीत सके। तो ये इलेक्शन में अवाम जो है, अवाम का फैसला अवाम को करना है और अवाम अपना फैसला दे देगी। अगर खान साहब जीत जाएंगे, खान साहब जीत जाए, लेकिन मुझे मेरा अपना जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि कोई भी इस काबिल नहीं होगा इलेक्शन में कि जो अकेला हुकूमत बना सके, लिहाजा ये फिर एक मांगे तांगे की इधर उधर से इकट्ठा करके जो हालात नजर आ रहे हैं वो होगा। इसलिए दावे सबके हैं, आने वाला वक्त जो है वही बताएगा कि
दावों में किसको कामयाबी मिलती है। सही है जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है। ज़ाहिरा आने वाला वक्त 8 फरवरी इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा कौन जो है किसकी जमात ज़्यादा मकबूल है या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ही तज़िया किया जाता है। तो फैसल साहब, आपके ख्याल में अभी सूरत हाल में पीटीआई का इलेक्शन जीतना मुमकिन है जो वो खुद भी कह रहे हैं? देखिए बराज, बहुत सारे एतराज़ात के बावजूद भी इमरान खान साहब को आपको एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो अस्पताल में दाखिल होने की बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से निकलने की बात नहीं कर रहे, ये बराल उनका एक क्रेडिट है। बहुत खिलाफ तबका उनका ये चेहरा जो है वो लोगों के सामने आया, उनके शायद करीबी लोगों को भी इस बात का यकीन ना हो कि इमरान खान साहब जो है वो जेल गुजार सकते, चाहे वो जितनी भी एक उनके लिए आइडियल कंडीशन पैदा कर दी गई हो, जितना उस जेल को उनके लिए VIP बना दिया गया हो। बहरहाल एक अमूमी जो उनका मिजाज था उसके हवाले से कोई इस बात पर किसी के गुमान में नहीं था कि इमरान खान साहब जो है वो इतने सकून के साथ जो है वो जेल गुजार लेंगे। अब ये जो ताहिर अशरफी साहब सच और झूठ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सियासत में सच और झूठ की तो कोई अहमियत नहीं है, अहमियत इस बात की है कि आप कौन सा कार्ड किस वक्त खेल रहे हैं और उस कार्ड का जो है क्या नतीजा निकल सकता है, उस कार्ड के क्या असरात आ सकते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो भाजपा साहब वाला कार्ड खेला है, बहरहाल उसमें तो आप जिसने भी उनको ये आइडिया दिया है कार्ड तो उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला है, इसमें तो कोई राय नहीं। आप पता नहीं अदालत उनको बुलाती है नहीं बुलाती, लेकिन गेम तो वो भी पूरा का पूरा फंसाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब रह गई बात इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीतेगी या नहीं जीतेगी, जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस लम्हे अगर हम बात करें तो नजर नहीं आता वो जीतेगी, लेकिन जिधर जिस मुल्क में जिन जहां हम गुफ्तगू कर रहे हैं वहां हमें एक बात जहन में हमेशा रखनी चाहिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ जी जी, कि मुल्क शिफ्टों का मुल्क है या शिफ्टें होती हैं। सही, अगर शिफ्ट तब्दील हो गई तो आज जो पोजीशन नून लीग की हो सकता है वो तहरीक इंसाफ की हो जाए, हो सकता है नून लीग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए और दो ताई अक्सरियत उसको मिल जाए, लेकिन आज की सूरत हाल में हम बात करें तो लगता नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत सकेगी और वो आइंदा हुकूमत जो है वो बना सकेगी। लेकिन ये सारे तजिये आप उस वक्त करें जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो, उस दिन की जो शिफ्ट होगी ना वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा है। उस वक्त शिफ्ट कौन सी है थी? आज बैठ के तो आप कुछ भी कहते हैं, कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब इतने पुरवकार अंदाज में वापस आएंगे? आज से 4 साल पहले जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जा रहे थे उस वक्त बैठ के कोई तजिया कर सकता था कि उनको जो है वहां का सफीर जो है पाकिस्तान का वो बाकायदा एयरपोर्ट पे जो है वो रुखसत करने के लिए आएगा, एयरपोर्ट पे उनके लिए जो अदालत लगा दी जाएगी, इतना शाना जो है इस्तकबाल होगा, इस तरह अदालतों से जमानतें हो जाएंगी। सही मंजर देख लेना आप 4 साल पहले जब जिस वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे उस लम्हे क्या सूरत हाल थी, लेकिन शिफ्ट तब्दील हो गई। ठीक, अब अगर फिर अगर शिफ्ट तब्दील हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। सही है, तो इसलिए ज्यादा किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉपकॉर्न खाएं और इंतजार करें क्या होगा। वो तो फिर आप वैसे अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बना लें पॉपकॉर्न का जो हालात ये असल में ना गोलमोल करके नुमाया कर रहे हैं जी। हाँ इलियास साहब देखेंगे बिल्कुल, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, पॉपकॉर्न कहाँ से खाएंगे? अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, अभी इलेक्शन जिस जब 8 फरवरी के बाद आएंगे रिजल्ट आएंगे उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। अभी तो जो भी है सियासी जमातें वो अपना हरबा इस्तेमाल करें, अपने कार्ड खेल लें, जाहिर है बिल्कुल उनको बिल्कुल इस वक्त हर पार्टी को अपने देख रहे हैं कि बेहतरी की नज़र आ रही है, जैसे नून लीग को भी बेहतरी नज़र आ रही है कि पहले से ज़्यादा उनका वोटर मुतहरक हो रहा है और लोग टिकटें लेने आ रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी को एफर्ट्स करनी पड़ रही है, वो भी अपने आप को देख रहे हैं। और देख लें आज नून लीग के जानिब से उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों को भी मुतहरक करना शुरू कर दिया, तो ये PTI के जो बानी हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी उनको नज़र आ रहा है, उनको भी सही नज़र आ रहा है, और ये एक नफसियाती तौर पर अपने जो कारकुन है उनको मुतहरक करने के लिए भी ये एक्टिव करने के लिए भी ऐसी बातें की जाती हैं ताकि वो एक्टिव हों और ज़्यादा तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, ये ना समझा जाए क्योंकि इसके जी एकदम PTI एकदम बैठ गई है और इस पर कोई नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त उनको मुतहरक करेंगे तो जाहिर है
कारकुन दोबारा एक्टिव रीएक्टिवेट होंगे और इलेक्शन में बीच में आएंगे, और इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि कितने कारकुन निकाल सकते हैं ये, और कारकुन को निकालना अब ये भी तो देखना है कि इनके नए चेयरमैन जो हैं वो पार्टी में कितने लोगों को टिकटें दे सकते हैं। अब टाइम कम रह गया इलेक्शन में, टिकटें देते हैं और टिकटों में कितना कवर कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो अब क्योंकि इन्होंने चारों सूबों में करना है, चारों सूबों में टिकटें देनी है, देखना है कि क्या सूरत हाल है, और इसके लिए बड़ा एक्टिव करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकेंगे एक्टिव तो कैसे जीतेंगे, इनकी सीटें कैसे ले सकेंगे, या किसी से इत्तेहाद करते हैं। अभी देख लें कि वो कोई ना कोई सूरत हाल नज़र आएगी कि नए चेयरमैन किस से मुलाकातें करते हैं और किस से इत्तेहाद बनाने की, बड़ी पार्टी से किसी से मुलाकात करके अपने आप को करना चाहेंगे, उनके साथ खड़े होना चाहेंगे ताकि उनको एक सपोर्ट मिले। अगर अकेले खड़ा करना चाहते हैं तो इतनी सीटें कवर कैसे करेंगे ये, तो ये सारी सूरत हाल है कि कारकुनों को एक्टिवेट करना, ये सारी एक चीज़ है। बिल्कुल उनको भी नज़र आ रहा है कि जी मुझे एक नज़र सूरत हाल है कि मेरे वाजिया हो रही है, तो इसमें जो है कि इसमें अभी तो वेट एंड सी की पॉलिसी है कि सबको देखना पड़ेगा कि किसको कितने एक्टिव कर सकते हैं अपने कारकुनों को। बिल्कुल, क्योंकि कारकुन भी इस टाइम कोई एक्टिव नहीं नज़र आ रहे, ना कोई इस टाइम इलेक्शन की सूरत हाल नज़र आ रही। बिल्कुल जी, आप इलेक्शन की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है, कारकुन उस तरह से एक्टिव नहीं है। जाहिर है जब बाकायदा सियासी जमातों की कैंपेन का आगाज होगा तो कारकुन भी चार्ज होता है। जो बुनियादी सवाल था, मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई का इलेक्शन जीतने का दावा खुशफहमी थी यह हकीकत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये आपने जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, नून लीग के इत्तेहाद के खिलाफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी क्या इत्तेहादी बन सकती है, ये हमारा सवाल होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, नून लीग इन दिनों खुद को फेवरेट के तौर पर पेश कर रही है और सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशा है। सिंध में एमकेएम और बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाद अब एक और अहम पेशरफ सामने आई। आज नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई है जिसमें सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर बात हुई। अब एक तरफ तो नून लीग के जरिए क़यादत एक इत्तेहाद बन रहा है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई बड़ा इत्तेहादी तलाश नहीं कर सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सियासी मुश्किलात का शिकार अलग थलग नज़र आ रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे कि ऐसे वक्त में जब नून लीग के जरिए साया एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बन रहा है तो क्या उसके मुतबादल के तौर पर एक मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी करीब आ सकती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पीटीआई के नए चेयरमैन गौर खान हैं जो पीपल्स पार्टी का माजी में हिस्सा रह चुके हैं। क्या मौजूदा सियासी हालात पाकिस्तान में नए तरह के सियासी इत्तेहादों को जन्म दे सकते हैं या नहीं, ऐसा मैं आपसे आगाज़ करूंगी, क्योंकि ये तो वैसे बड़ी आम बात है, इंतखाबात से पहले बड़े इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लेकिन एक तरफ नून लीग जो तमाम छोटी बड़ी जमातों के साथ मुलाकात कर रही है इत्तेहाद की सूरत में, कुछ नाम सामने भी आए हैं, मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी उस तरह से किसी बड़ी जमात छोटी जमात का इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ज़ाहिर है वो तनकीद तो कर रहे हैं, तो वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकती है इस सारी सिचुएशन में? तो अब सियासत इम्कानात कर लेता है, इसमें किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेज पे। माजी की बदतरीन दुश्मन पार्टियां इत्तेहाद कर लेती हैं, साथ चलती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने मैक्सिमम गेन करना होता है ना, बाज़ाहिर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए लड़ रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहे होते हैं, कुछ जो MNS लड़े होते हैं मिनिस्टर्स, उनके जहन में होता है कि जी वो हो चुके हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ये सारा खेल तो इसी का है। बज़ाहिर तो कोई चांस नज़र नहीं आता, उसकी वजह ही कि जरदारी साहब आपको पता है मफामत की सियासत पे यकीन रखते हैं, तो उनको शायद वो मफामत की सियासत पीटीआई की तरफ जाने से रोके, भले वो इत्तेहाद ना बने। लेकिन अब बिलावल साहब बहुत हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, उनका बयानिया बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, जरदारी साहब बहुत धीमे धीमे वो चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे जरदारी साहब की कोशिश जो मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि वो अपने बेटे को अब मुस्तकबिल किसी तरीके से महफूज कर लें, कि अगर वो इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते कोई इशू नहीं है, किसी और का तय हुआ है उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको बनने दिया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम जब वक्त आएगा फिर बिलावल भी कैंडिडेट हो सकते हैं, तो वो इस तरह से सोचते हैं। बिलावल चूंकि नौजवान है वो इतनी दूरंदेशी से काम ले नहीं सकते, इसलिए उनकी ख्वाहिश होगी और कोशिश होगी कि किसी तरीके से इसी दफा को ऐसा माहौल बन जाए, वो जैसे कहते भी हैं जाला सरप्राइज भी हम देंगे 8 फरवरी को। बैरिस्टर गौहर अब चेयरमैन है, तो क्या आपको लगता है वो उनके साथ पहले वो आपने शुरू में भी कहा ना कि वो बानी चेयरमैन कुछ और बात कर रहे हैं, ये नौमुंतखब चेयरमैन
कुछ और बात कर रहे हैं, मुफामत की बात ज़ाहिर है जिसने इलेक्शन लड़ना है। अब ये वो पीटीआई आपको नजर आ रही जो इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन में ये जाएंगे क्योंकि अभी दूर है 8 फरवरी, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन में जाने की। क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त पीटीआई की हालत बड़ी दिलचस्प हुई भी है कि वो पहले ये था कि जी बहन को या बीवी को दे देंगे पार्टी की सरबराही, उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी। अब वो मौरूसी सियासत से बाहर निकला है और फिर उस पर तनकीद हो रही है कि ये देखें अली गौहर को किस साहब मिले आया, वो तो पीटीआई के टिकट पर लड़ा था इलेक्शन। तो पीपल्स पार्टी सॉरी, हर वो बात जो भी इस वक्त एक्शन चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई कर रहा है उस पर तनकीद होनी होनी है, चाहे जो भी हो जाए। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, अगर माहौल बने तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद भी कर ले, तनकीद तो होनी होनी है। तो आमिर साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी पीटीआई का इत्तेहाद वाकई हो सकता है और होना भी चाहिए? अब और जो बैरिस्टर गौहर, जाहिर है माजी में उनका पीपल्स पार्टी के साथ एक ताल्लुक भी रहा है। अब सवाल जिस तरह हयात साहब कह रहे हैं, ये तो उठाया ही जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े केपेबल लोग थे, उनकी बजाय बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैन क्यों बनाया गया? जाहिर है ये फिर साबिक चेयरमैन जो थे उनकी अपनी एक थॉट थी। आपको लगता है कि ये इत्तेहाद बन सकता है पीपल्स पार्टी, और ये कितना टफ हो सकता है जो बाकी इत्तेहाद बन रहे हैं, अगर बड़ी जमात के साथ जुड़े इत्तेहाद देखें नून लीग के साथ खासतौर पर? वैसे आपने बड़ा दिलचस्प लफ्ज यूज किया कि उनकी अपनी थॉट, उनकी ये थॉट होती है। आपको पता है यहाँ बड़े बड़े फिलोसोफर बैठते थे, खान ने क्या चाल चली है, दो असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन ले लेगा, खान ने क्या चाल चली है, कौमी असम्बली से आउट हो गया, खान ने क्या चाल चली है, 9 मई कर दिया है। वो सोच के फैसले करता है, कमाल हो गई है, वो मरूसियत के खिलाफ है जी। अरे भाई, जब किसी भी लीडर पे मुश्किल वक्त आता है तो वो जावेद आशमी ढूंढता है, वो राजा दफुल्लक ढूंढता है, वो मखदूम अमीन फहीम ढूंढता है, वो भुट्टो हो तो शेख रशीद ढूंढता है। ये कोई पहली दफा हुआ है, ये मेरा ख्याल है लोगों की यादाश्त 2011 से शुरू हुई है, जब वो पाशा जलसा हुआ था लाहौर में 31 अक्टूबर को। मेरा ख्याल है लोगों की यादाश्त उससे पीछे चली गई, खत्म हो गई, कि ये सियासत में हमेशा से इस तरह के लोगों को लाया जाता है कि जब अपने पे मुश्किल आए तो दूसरों को आगे लाया जाता है। यही खान साहब ने किया है, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? खान नहीं जानता मैंने क्या किया है, उसने हामिद खान को क्यों नहीं दे दी? उन्हें पता था कि हामिद खान आगे जकड़ जाएगा, वो फैसले पहले भी खान के आगे खड़े होकर बात करता है कि आप गलत फैसले कर रहे हैं। खान ने लोग ही नहीं चुने कभी कि वाइज फैसला ऐसा कर ले जो उसको भी बचा के जेल से बाहर ले आए, उनको तो वो लोग लाने चाहिए थे। अब आप पपेट ढूंढे या कुछ भी कहें, गौहर आ गए हैं, गौहर के साथ पीपल्स पार्टी ने नहीं बात करनी, फैसला खुद इमरान खान ने करना है। वहां तो मतलब सारे की सारी एक दीवार है, वरना वो ढूंढते हुए शाह महमूद कुरैशी उसी जेल में है, परवेज इलाही उसी जेल में है, उन्हें नहीं नजर आ रहे थे कि ये सजाए याफ्ता नहीं है, इनको मैं बना दूं सिंबॉलिकली उन्होंने परवेज इलाही को सदर भी नॉमिनेट करना है, इलेक्ट नहीं करवाया, वो जो सो कॉल्ड इलेक्शन हुए हैं ना इनके। ये सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं सिवाय जमात इस्लामी के, बाकी सबका इलेक्शन एक पैटर्न पे होता है। हाँ, ये आए थे खान साहब के हम वोटर लाएंगे, लिस्टें लाएंगे, जिसपे वजीउद्दीन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, आपको याद होगा तस्नीम नौरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सब ने लिख लिख के बताया कि आप झूठ बोलते हैं, आपके यहाँ पैसा चलता है, आपकी पार्टी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दिया जाता है। ये थी वो सियासत खान साहब की, वो जो कर रहे थे वो, और ये असूल वसूल नहीं होता है, ये वसूल है, जो मैं आपसे कह रहा था ना, जो वसूलियां जमान पार्क में टिकटों पे की थी। तो अभी उसका भी केस बनेगा। कह रहे हैं कि ये बैरिस्टर गौहर जो है ये उस्मान बुज़दार की तरह का फैसला है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि उन्होंने कौन सा फैसला ऐसे बंदे के हवाले किया है जो खान साहब को कहे कि जरा मुझे भी काम कर लेने दें, कुछ सोच लेने दें। बैरिस्टर गौर ने तो यही कहना है, जो खान कहेगा मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा हम इदारों से नहीं लड़ते, खान साहब आज इदारों पे चढ़ गए हैं, उनका ख्याल ये है कि मैं अभी भी दबाव डाल सकता हूं। मतलब आप कमाल देखें। अच्छा, उसको भी बयानियां बना रहे हैं, देखे जी खान ने, ओ खान के बंदे रोज कह रहे थे एक बंदा पहुंच गया, हम कहते थे भाई तुम्हारे तो खबर के दराए खत्म हो गए हैं, तुम कहां से पूछा रहे हो? अच्छा जी, डील आ गई, उसने इनकार कर दिया, वो कहता है मेरे से मिलने कोई नहीं आया, इसमें भी मैसेज है, खुदा दा वास्ता कोई गल कर लो, गेट नंबर 4 खोल लो, वो और क्या तड़प रहा है वहां पे। वो कह रहा है मुझे फंसा दिया, उसके साथ एक ड्रामा बन गया, बेचारा लिख के दे देता है कि जी वो देसी घी खिला दो और उसमें मक्खन वो बनवा दो, मुझे जनाब मटन बनवा दो, उसमें मुझे देसी मुर्गा बनवा दो। उसकी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही, वो लोगों को कहता था ये शाही खानदान से हैं। हजरत साहब की अपनी फरमाइशें तो देखें, कौन से आम आदमी का खाना खा रहे हैं, वो कभी खाते ही नहीं थे इस तरह, वो लोगों की जेब से खाते थे, अभी भी लोग ही पुचा रहे हैं। जी फैसल साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी आपकी मोस्ट फेवरेट पार्टी इत्तेहादी हो सकती है पीटीआई की? नहीं हो सकती। इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी कभी भी गलती नहीं करेगी। इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का मिजाज है, ऑडियो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें फैसल साहब, करती रहे।
जी जी फैसल, पीपल्स पार्टी उसकी लीडरशिप कोई भी तकरीरें करे, पीपल्स पार्टी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का मिजाज ही नहीं है। वो जब भी सियासत करेगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करेगी, और इस वक्त किसी तौर पर भी वो गलती नहीं करेगी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाके जो है मिल जाए। बाकी ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं ना, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हो सकता आगे चल के हुकूमती इत्तेहाद बन जाए। सब लोगों ने जो है वो अपने अपने टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ना है कोई। और सबसे इस इत्तेहाद का ये खास पहलू ये है कि किसी का भी वोट बैंक जो है ना वो वहाँ टकराव नहीं है। मतलब जहाँ नून लीग का वोट बैंक है वहाँ JUI का नहीं है, जहाँ MQM का वोट बैंक है वहाँ मुस्लिम लीग का वोट बैंक नहीं है। तो कोई अपनी सीटें कोई किसी को देगा नहीं। हो सकता है 2-4-6 सीटों पर कहीं जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा और असर अंगेज नतीजा खेज जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा। ना इनका एक टिकट से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सिर्फ खबरें हैं। ये खबरें और सिंध में खबरें क्यों चलाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो डराने के लिए, भाई तुम सिर्फ सिंध तक महदूद रहो, पंजाब की तरफ मत देखो वरना तुम्हारा हम सिंध जो है वो छीन लेंगे। तो ये मैसेज है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज बहुत अच्छी तरह ले लिया है। ऐसा नहीं पीपल्स पार्टी ने मैसेज नहीं लिया, उसने मैसेज ले लिया है। जारी साहब को जो लबो ले जाए वो बता रहे हैं, भाई हमें तुम्हारा मैसेज मिल गया है, हम आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे सिंध में जो है तुमने मुदाखलत नहीं करनी, सिंध हमें दे दो, बाकी आपने जो पंजाब में निपटाना निपटा दो, वफाक में जो करना है कर दो। पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो इस इंतखाबी इलेक्शन इस इलेक्शन में बुनियादी जो नुकता होगा वो सिंध उनके कंट्रोल में रहे, और सिंध अगर उनके कंट्रोल में समझ लें कि एक बहुत बड़ी उनकी एक अचीवमेंट है, वो किसी तौर पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और सिंध को बचाने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। वो आखिरी हद जो है वो बहुत कुछ होती है। अब उसको टीवी पे क्या डिस्कस करना, 2018 में हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, सबको पता है 2018 के इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो किस तरह जीता था। ये इसको आप नून लीग की कामयाबी भी कह सकते हैं और इसको आप पीपल्स पार्टी की भी कामयाबी कह सकते हैं। उन्होंने इनको डराया, ये डर गए, उन्होंने अपने सिंध को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा कि जिससे कोई बहुत ज्यादा कोई इंतखाबी सियासत में इंतखाबी नतीजे में तब्दीली आ जाएंगे। आप समझते हैं जो इलाके वो इलाके उसी के पास रहेंगे। ठीक है, कोई बड़ा इंतखाबी बात नहीं बनने जा रहा, लेकिन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद बन सकता है, और इंतखाबात से पहले ये इत्तेहाद बनते हैं टूटते हैं। ये वाली जो एक सियासत का एक सिनेरियो है ये बड़ा डिफरेंट होता है, और ये हर इंतखाबात से पहले देखने में नज़र आता है। बहरहाल बुनियादी सवाल यही होगा, क्या नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बन सकता है, क्योंकि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि नून लीग के खिलाफ हमारा इत्तेहाद हो सकता है, चाहे हमें PTI से ही क्यों ना करना पड़े। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, हाफिज़ ताहिर साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कौन किसका इत्तेहादी, क्या इंतखाबात से पहले जो इंतखाबी सियासत है उसमें बड़े बड़े सरप्राइज सामने आ सकते हैं। इलियास साहब, आपको लगता है नून लीग के खिलाफ जो इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का हो सकता है? अभी तक तो ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आ रही कि कोई इनका इत्तेहाद हो सके, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की चीज़ें वगैरह है पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जिस तरह पहले है ऐसा कि अपना सिंध वो कार्ड है वो अपना रखना चाहती है, अभी वो कोशिश कर रही है बलूचिस्तान वगैरह दूसरी जगह जाके इत्तेहाद वगैरह दूसरी पार्टियों से करने की कोशिश करें, लेकिन नून लीग पहले ही कर रही है, तो इसलिए जरदारी साहब भी लाहौर आए हुए हैं और आके बैठे हुए हैं, इधर आके देख रहे हैं सूरत हाल के पंजाब में क्या किया जा सकता है। अभी जो सूरत हाल है, हाँ इनकी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन मुलाकातों में देखें कि क्या इसमें तय पाता है, बीच में कुछ लोग आएंगे जो मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई रास्ता मिलता है इनको, लेकिन ये कोई इत्तेहाद देखने में नहीं आता, क्योंकि आपस में इख्तलाफात रहे, बानी भी इनके खिलाफ थे, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि इनके आपस में हाथ मिला लें या कुछ इस तरह की चीज़ करें, क्योंकि ये गैरफितरती इत्तेहाद होगा अगर होगा तो, क्योंकि दोनों अलहदा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहें, तो इस वक्त ये सूरत हाल इस तरह देखने में नहीं आ रही कि अगर ये इत्तेहाद करते हैं तो, आप अगर इत्तेहाद करते हैं तो फिर इलेक्शन करने के लिए इनका उसको पता है PTI को कि उनका वोटर भी मुतनफर होगा इनसे कि ये क्या कर लिया, जिनके खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहे PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, तो उन्हीं के साथ जाके इत्तेहाद करें। तो नून के साथ उन्होंने किया, किसके साथ? नून लीग के साथ तो उनका एक इत्तेहाद हुआ ना, ये जो 16 माह का था, 16 माह का PTI का, तो उसमें PTI वो कह रहे हैं ना कि वोटर्स क्या बात करेंगे, MQM से किया, शेख रशीद से किया, ये सारे एक जैसे हैं, एक जैसे, लेकिन जो सूरत हाल है अभी पीपल्स पार्टी से नहीं आता, पीपल्स पार्टी ने जो किया था जो 16 जमातों का इत्तेहाद हुआ था, तो पीपल्स पार्टी अलहदा रखती थी अपने आप को, वो इत्तेहादी नहीं आती थी, हालांकि मिनिस्टर भी बनाए हुए थे अपने, वजीर खारजा भी बनाए हुए थे, लेकिन मानते नहीं थे अपने आप को, फिर अब
बिलावल साहब इसीलिए बयानबाजी कर रहे थे जो जिस पर जरदारी साहब ने अभी उनको रोका है कि कुछ इनको आपस में ही देख रहे हैं कि आपस में कोई डील होने की कोई सूरत हाल निकल आए, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नहीं मिली इनकी। कोशिश दोनों की है कि पीपल्स पार्टी की है कि उनकी मुलाकात हो और उसमें कोई नून लीग के साथ कोई सूरत हाल निकले, कोई पंजाब में कोई ऐसी सूरत हाल एडजस्टमेंट वगैरह, लेकिन ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आ रही क्योंकि नून लीग इस वक्त अकेले चल रही है और अपने आप के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने वो आज भी देखें, मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई, फिर MQM से हुई और दूसरे से काफ लीग से और दूसरे लोगों से हुई है, लेकिन अभी जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी इस वक्त देख रही है कि नून लीग उनसे सबकत लेती जा रही है और इसलिए वो देखे बलूचिस्तान में भी करके आए। हाँ। सारे इसी तरह आपस में इसी पैटर्न पर चल रहे हैं, खींचा तानी चल रही है, लेकिन इसमें यही है कि जब इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद फिर एक तेजी आएगी, वो फिर वो तो हुकूमती इत्तेहाद होंगे। हाफिज आयत साहब, हुकूमती इत्तेहाद, इंतखाबी इत्तेहाद, तो कौन किसके साथ जा सकता है? पीपल्स पार्टी, PTI एक इत्तेहादी हो सकते हैं आपस? देखें, बात यह है कि इलेक्शन के करीब इत्तेहाद बनते हैं और लग रहा है कि नून लीग भी इत्तेहाद के लिए कोशा है, पंजाब में भी और पंजाब से बाहर भी, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी। लेकिन इस वक्त जो इत्तेहाद की फिजा बनाने की कोशिश हो रही है उसमें बहरहाल नून लीग जो है उसको काफ़ी हद तक वो आगे है पीपल्स पार्टी से, और PTI तो अलग तन तनहा अपना इलेक्शन लड़ना चाहती है। JUI और नवाज लीग, देखें ये इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन क्या नवाज लीग और JUI मिलके हुकूमत बना सकेंगे ये नहीं लगता, ये जो हालात हैं उसमें नहीं लगता। उसमें पीपल्स पार्टी साथ शामिल होगी और उसमें अब जो मामला है सदर का कि अगर नून लीग का वजीर आजम होगा तो सदर मौलाना फजलुर रहमान भी उसके उम्मीदवार हैं और जरदारी साहब तो हैं ही सदर, तो इसलिए ये अभी देखें क्या बनता है। लेकिन बहरहाल नून लीग का और जो है जमीयत उलमा इस्लाम का और MQM ये इत्तेहाद बड़ा इत्तेहाद एक नजर आ रहा है। सही है जी, आपको लगता है जो नून लीग इत्तेहाद बना रही है ये एक बड़े इत्तेहाद हो सकते हैं? आप देखना है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद, क्योंकि उनके कुछ रहनुमा कह चुके हैं कि नून लीग के खिलाफ हम PTI के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। बहरहाल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपने जान लिया, आज के एक्सपर्ट्स इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।